प्रणाम उसी। तो नानी हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर, ठीक है? किस रंगे अभी देखो रात के 6:14 हो रहे हैं, ठीक है? हम लोग निमंत्रण नोट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। गांव में ऐसे होता है भाई, शादी जब होता है ना लड़की का, तो ऐसे ही कुछ न कुछ दिया जाता है। मैं इस टाइम पे भैया राइडर को लेके आ चुके हैं। Hey guys, welcome back to another vlog। तो इस vlog की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे, और इस टाइम पे हम और हमारे बड़े पापा और मेरे भाई 3 जने जा रहे हैं अपने मौसी के शादी में। पूछो कि कौन मौसी? मौसी यानी हमारी जो चाचा की साली है ना, हमारी मौसी हुई ना, तो उन्हीं की शादी में आज हम 3 जने जा रहे हैं। और अभी इस टाइम पे मैं हूँ घर पे। ये देखो भाई, ये हाथ में ले रखा हूँ साड़ी। हमारे यहाँ पता है लड़कियों की शादी में ना, हमारे यहाँ जो न्योता किया जाता है उसमें साड़ी दिया जाता है, कुछ पैसे वैसे जो आपका जितना क्षमता है उतने पैसे दे सकते हैं। एक सेट साड़ी का जो भी होता है ना सामग्री, वो सारा सामग्री है साड़ी के साथ साथ। और मैं और मेरा भाई इधर, ये देख सकते हो, ये जाने वाला मैं जाने वाला हूँ और मेरे बड़े पापा, ठीक है? उठ रहे नानी घर में जाकर बोलो बनाने लगा। हेलो गाइस, जा रहे नानी घर हमारे। क्या बात कर रहे हैं? और नानी के घर रखिए गाई जी, नानी है। और कैसा लगेगा मेरा मजाक? और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो भैया, नानी घर पहुंचेंगे ना, ओकरे पास देखा कहो तो। प्यार होगा वो फुगौआ, प्यार होगा वो फुगौआ, आंखों आंखों निगाहों निगाहों में आई लव यू बोला। तो देखो पहुंचेंगे नानी घर। हेलो नानी, नानी गाइस वेलकम बैक, नानी गाइस गाइस हम आज के नानी के घर गाइस। देखो गाइस, नानी के घर आया था साड़ी लेकर गाइस। मजे आएंगे, हेलमेट लगा रहा हूँ, हेलमेट जैसे घर में आया, ठीक है? गाड़ी निकालो बाहर। देखो दो सीट साड़ियाँ है, बड़े पापा जाएंगे ना वो भी साड़ी लेके जाएंगे। हम तीनों जना वेडिंग में जा रहे हैं। ओकर बाद देखो काका होता है सब, बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि आज अपने मौसी जी की शादी में हम लोग पत्तल बिटोरने वाले हैं। ऐसा कुछ करने वाले हैं? जी हाँ सर, जी हाँ। तो नानी हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर, ठीक है? जल्दी से। तो जस्ट अभी भाई लोग अभी अपने नानी के घर पहुंचने से 200 मीटर पहले ही हम लोग बीच में रुके थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, आप समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे भाई 4 लेन है, ये देखो ऊपर 4 लेन का भाई हाईवे पे गाड़ी चल रही है, हम लोग नीचे इधर रुके हुए, और सामने जस्ट 200 मीटर पे नानी का घर है, और हम लोगों को घूम के नीचे से जाना है। तो ये आपको पड़ जाएगा 500 मीटर घूम के जाने, और पहले बना नहीं था ना 4 लेन, तो भाई 100 मीटर यहाँ से बस जाना ही था। और यहाँ से भाई देखो वो 4 लेन पे गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर चलेंगे अभी थोड़ी देर में और ऊपर चल के दिखाएंगे। पहुंच चुके अपने मामा जी के घर पे, और यहाँ पे चल रहे भाई हल्दी का रस्म। हल्दी का रस्म यहाँ पे कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट चाची यहाँ पे मेरे को दिखी और मौसी दिखी और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। खुशी भाई हल्दी लगा रही है, अभी मेरे को देख ही नहीं है कि भैया भी आया। हम 3 जन आए हुए ना, मैं और भाई इधर बड़े पापा, और यहाँ का जो डेकोरेशन है भाई आपको शाम को दिखाई देगा। और ये देखो खुशी, खुशी को देखेंगे कब वो खुशी हमको देखेगी भाई। ये जो सामने दिखाई दे रहे ना ये अपने मामा है भाई, भाई शादी चक्कर में भाई देखो कैसा शकल हो रखा पूरा। फुलुका फुलवा था वहाँ। ये मेरी छोटी मौसी का लड़के हैं, मेरी चाची है उनकी बहन है ना उनका लड़का है भाई। मौसी के देखो अभी मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, बस नानी और मामा और मौसी के अलावा किसी को नहीं पहचानता। चलो अभी इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रणाम मौसी, क्या तरह होंगे? ये जो आपको दिखाई दे रही है हमारी मौसी है, चाची की बहन। तो हम चाची को मौसी को पहली बार देख रहे हैं, शायद मौसी हमको पहचानती होंगी। सही, अच्छा ब्लॉग में देखी है, सही है। आपको हम फोटो में कभी कभार देखे हैं बस। अच्छा खुशी। और यहाँ भाई देखो बगल में खाना बन रहा है यहाँ पे भाई, और ये सामने भाई शादी वाला मंडप यहाँ पे बना हुआ है, खाने पीने के लिए सामने बना हुआ है। और इस टाइम पे देखो हमारी मासी जी है ना वही बैठ के निमंत्रण लिख रही है, जो रिश्तेदार लोग लेकर आते हैं ना साड़ी वाड़ी उनके लिए अभी वही लिख रहे हैं मौसी जी। अच्छा ये है खुशी जो कि मेरे से भी छुप रही है भाई लोग। ये है भाई हमारी चाची, हल्दी होता है
देखो यहाँ पे अपने मामा जी का घर है जो कि पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जयमाल वाला सिस्टम है, और यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम है जो कि आपको रात को देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं 4 लेंथ पे घूमने के लिए भाई। यहाँ पे भाई वहाँ पे इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, वहाँ पे देखो भाई डंपर जा रहा है बड़ा वाला, जो पेट्रोल लेके जाते हैं ना वही जा रहा है। इस टाइम पे हम सोचे हैं चलते हैं वहाँ पे, आराम से चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं इधर ही बैगन, क्योंकि इधर आने का मतलब ये है कि थोड़ा घूम लें। यहीं से चढ़ेंगे, चलो यहाँ से पहले तुम चढ़ो। या सो फाइनली अमन भैया राइडर को लेके आ चुके हैं। 14 बरस की उम्र में तुम चला रहे हो दुचक्का, यहाँ ऐसे ही गलती काम करोगे तुम? इतना आराम से मैं आया यहाँ पे भाई, कितना आराम से यहाँ पे आ रखा हूँ मैं। इस टाइम पे भाई हम आ चुके हैं 4 लेंथ के ऊपर, और ऊपर आने का देखो सबसे बड़ा मजेदार सीन आपको बताता हूँ। इस टाइम पे भाई मैं इस 4 लेंथ का मजा ले रहा हूँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और यहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई वाहन जो चल रहा है ना, देख के बहुत मजा आ रहा है। ट्रक वाले कैसे जा रहे हैं? जो बबुआ लोग है अंगूठा दिखा रहा था, अंगूठा अलग ही नजरिया दिखाई देता भाई। देखो ऑटो वाले कैसे जा रहे यहाँ से। ओ बड़े भैया थोड़ा हमको भी अच्छे से ले लेना, हम भी थोड़ा कैमरे में आ जाएं और वीडियो में दिख जाएं। क्या ही रिएक्शन है मेरे दोस्त, क्या ही रिएक्शन है, क्या कहना चाहोगे? रिएक्शन कैसा आ रहा है? तकड़ा वाला, एकदम भयंकर वाला है ना, भयंकर वाला। इन लोगों का रिएक्शन देखो दोस्त। कसम से बता रहे फुल पावर का यहाँ पे इस हाईवे पे रिएक्शन आ रहे भाई। इसके अपने लफ्जों से अगर तारीफ करनी होगी तो भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे लफ्जों से तारीफ नहीं हो पाएंगे। जो आंटी लोग दिखाई दे रही होंगे ना, गांव में ऐसे होता है भाई, शादी जब होता है ना लड़की का तो ऐसे ही कुछ ना कुछ दिया जाता है। जो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी दे सकते हैं लड़की को, वो दान कर सकते हैं, वही दान किया जाता है। क्या बोलते हो, सही है ना? दान किया जाता है ना। हाँ तो चलो यार, दो लड़के लोग मिल चुके हैं इधर, 2-3 लड़के लोग और मिल चुके हैं, टाइम पास करने के लिए सही है। हमारे बड़े पापा तो अकेले अकेले घूम रहे हैं भाई, हम दो जना साथ में घूम रहे हैं, बड़े पापा अकेले अकेले घूम रहे हैं, चलो कोई बात। फाइनली हमारे नाना जी भी आ चुके भाई, ये देखो ये नाना जी हैं जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं भाई। कोई देखे ना देखे नाना जी जब भी मौका पाते हैं ब्लॉग देखते हैं, बोलते तुम्हारा ब्लॉग अच्छा लगता है, हमको बहुत खुशी होती है। नाना बोलते तुम्हारा ब्लॉग अच्छा है, इसलिए खुशी होती है। शाम के ना 4:18 हो रहे हैं, ठीक है, और हम लोग दोनों भाई बैठे हुए यहाँ पे, जो विलेज के जो लोग आते हैं ना तो यहाँ पे निमंत्रण में पैसा देते हैं, तो उसको नोट करना होता है नोटबुक पे, उसी चीज़ को हम लोग नोट करने वाले हैं। देखो ये जयमाल बन रहा है इधर, रात को जयमाल का भाई जो भी दिखेगा ना सब कुछ रात को दिखेगा। नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। तो गाइस अभी देख सकते हो हम लोगों ने कितना निमंत्रण लिखा हुआ है, ये देखो। अभी देखो रात के 6:14 हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग निमंत्रण नोट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, बहुत ज़्यादा ही नोट करके बैठ चुके हैं भाई, ठीक है। अभी देखो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी एंड तक देखो क्या होता है, मैं दिखाऊंगा। और देखो अभी ज़्यादा लोग नहीं है, अभी बहुत कम ही लोग है, ठीक है, बाद में तो भी बहुत भीड़ लगने वाली है, समझ रहे हो आप लोग। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का
देखो तो छोटा सा बालक है, अभी मैं निमंत्रण लिख नोट कर रहा था, उसके दौरान ये बालक मिला है, मेरे से बोला था कि मेरे को व्लॉग में आना है, तो ये रहा बालक, क्या नाम पड़ेगा? हेलो गाइस, मेरा नाम अनूप यादव है। ये अनूप है जो कि मेरे व्लॉग में आने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थे, और एक भाई साहब इधर पड़े हुए हैं, तो दोनों जनों से मिलकर काफी अच्छा लगा। ये व्लॉग में दोनों जनों को आना था, और कल वाले व्लॉग में, और ये कल वाले व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे दोनों लोग। ऐसा ही होता है। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। समझ रहे हो? तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल ये नेक्स्ट डे में इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, और शादी वादी बिल्कुल खत्म हो चुका है, और हम लोग अभी इस टाइम फिलहाल के लिए चाय पी रहे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते भाई, सब उजड़ा हुआ दिखाई, आपको दिखाई दे रहा है ना, खत्म सच उजड़ा हुआ हो गया, ठीक है। रात के टाइम भाई शादी वादी हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग सीधा सोने के लिए चल गए नानी के पड़ोसी जो है ना उनके घर। इस टाइम पे भैया अमन है इधर, और इधर मेरे भाई है संजीव भाई, चाय पी रहे हैं, और सब कुछ उजड़ चुका है, ठीक है। और थोड़ी देर के अंदर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नहीं आप नहीं समझे, हम लोग थोड़ी देर के अंदर घर जाने वाले हैं।